नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ हमारा शिमला की पहाड़ियों, सुंदर पहाड़ियों में बसा है संकट मोचन मंदिर और हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं हनुमान जी के मंदिर में। तो आज हम भी यहाँ पर आना हुआ तो आप देख सकते हैं ये काफी सुंदर व्यू है, सामने ही शिमला है हमारा, ये देखिए। और सामने ही शिमला दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, और देख सकते हैं कितना ही सुंदर व्यू है। ये सामने शिमला देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, और ये है हमारे श्री राम, ये देखिए, ये देखिए श्रद्धालु जो है वो, और अंदर जो है वो भगवान जी की मूर्ति आप देख सकते हैं। अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, और कुछ पीछे से भी कुछ इस तरह का व्यू दिखता है। तो ये बहुत ही सुंदर जगह है फ्रेंड्स, और ये तारा देवी के बिल्कुल नजदीक है, सामने तारा देवी है, तारा देवी के बिल्कुल नजदीक। और ये देखिए पूरा मंदिर हमने आपको घुमा दिया है, बहुत ही सुंदर, अति भव्य। और ये प्राचीन मंदिर है, और यहाँ से भी बहुत ही प्यारा व्यू हम देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये फिर से राउंड करके ये देखिए, ये सामने गणेश जी का भी यहाँ मंदिर है, और ये बहुत ही सुंदर व्यू आता है। ये पूरा हम घूम गए यहाँ से, अब आपको यहाँ से फिर दिखाते हैं यहाँ से भी। और ये देखिए सामने ही चूड़धार की पहाड़ी भी दिख रही है हल्की सी, वो सामने आप बर्फीली पहाड़ी देख रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर फ्रेंड्स ये नज़ारा इस समय हमको। और सामने आप देख सकते हैं ऊपर जाखू हिल दिख रही है, जाखू टेंपल, ये देखिए हनुमान जी की एक और मूर्ति यहाँ से दिखती है, जाखू जिसको बोलते हैं, ये फेमस प्रसिद्ध है जो भी आता है यहाँ। और सामने ये मेन रोड ऊपर NH से दिख रहा है आपको, ये देखिए सामने जो एक बर्फीली पहाड़ी है, ये चूड़धार रेंज है, और ये धौलाधार चूड़धार यही रेंज है, ये मिडल हिमालयाज जो है हमारे। तो ये फ्रेंड्स इस दिन का सूरज भी चढ़ा हुआ है काफी सुंदर। और तो फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और एक बार हम फिर से आपको जो भगवान जी है यहाँ पर, और यहाँ पर परम पूज्य बाबा श्री नीव करोरी जी महाराज जी भी यहाँ पर प्रतिमा है, और फिर से एक बार हम आपको दिखा देते हैं।